I'll start with the hospitals part. जो idea था किधर गए उधर बता. The idea was actually not very clear. किसी को समझ नहीं आ रहा था actually आप बताना क्या चाह रहे हो. और आपकी team जो थी वो आपस में बहुत connections मुझे लगे कि कोई एक कुछ और बोल रहा है कुछ और बोल रहा है. When you are a team, you are supposed to be on the same page. एक ही बात बोलनी है सभी से. अगर बुला के अलग से भी पूछा जाए कि भाई क्या चीज है तो एटलीस्ट यू नो कि अच्छा मेरे इसी बारे में ये बात बोली कितने वर्ड्स में बात बोली. तो वो जो एक डिस्कनेक्ट था दैट वाज वेरी मच विजिबल. दूसरा आप लोगों को खुद नहीं पता था कि आप क्या बोलने जा रहे हैं. सो देयर वाज नो क्लैरिटी. देयर वाज नो क्लैरिटी. सेकंड थिंग एजुकेशन. ओके आपका आइडिया मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नया था या पहले यूज नहीं हो रहा है बट आपको खुद उसकी ये नहीं पता क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था. किस ऑब्जेक्टिव की वजह से? क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद आप ये कहने जा रहे हो कि हम राइटिंग वाला जो एक सिरदर्दी है वो खत्म कर देंगे तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया करेंगे सीधा टीचर के पास से. बट आई बिलीव कि सभी के लैपटॉप्स और मोबाइल्स में वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उसको सेट कर दीजिए स्टैंड पर एंड यू कैन रिकॉर्ड द होल थिंग. यू डोंट नीड टू राइट दैट. But ultimately, idea was totally not clear कि आपका objective क्या था. तो clarity की problem यहाँ पर, यहाँ पर objective की clarity की problem थी, वहाँ पर teamwork की clarity की problem. Hospitality, which one? Okay. Okay. Last one is telecom. Telecom is this one. आप लोगों ने जो भी बात की, वो भी clarity मैं बोलूँगा कि आइडिया जो था वो क्लियर नहीं था. सर्वर्स देन टावर्स फिर सर्वर्स फिर नीचे रिसीवर्स. एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं आपके आइडिया में क्लियर. सो क्लैरिटी इज समथिंग व्हिच इज अ मेन वर्ड कमिंग इन ईच एंड एवरीबॉडीज प्रेजेंटेशन. क्योंकि हर चीज को पहले समझना और समझने के बाद बताना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. जब तक आपको खुद समझ नहीं आया दूसरों को कैसे बताएंगे. एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड If you cannot make a 12-year-old child understand what is the theory of relativity, इसका मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आया. फिर से, so clarity has to be there. तो आप हम जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक से सुनेंगे तो ठीक से समझेंगे, और ठीक से समझेंगे तो ठीक से बता पाएंगे. So clarity is required every step. तो आप अगर यहाँ से जा भी रहे हैं, but ये जो आज मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, that will help you throughout your life. So be an active listener. ठीक से सुनो, ठीक से समझो, and then you'll be able to use. Right? Good answer.